क्या बात है सम्राट जी? आप जानते थे क्या मनीष को पहले से? नहीं, मतलब जिस तरह से आप उसे धमका रहे थे ऐसा लग रहा था कि पहले से आपकी बात हुई हुई है उनसे। बोलो सम्राट, जवाब दो। भाई साहब, हमें तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सम्राट, ये चक्कर कहाँ है? तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इस बीच में? इन्वॉल्वमेंट? देवर जी आपका? बोलिए भैया, बताइए। बोलो सम्राट, बोलो, जवाब दो। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? अरे बताओ बेटा, बताओ ना। बोलो सम्राट, बोलो, जवाब दो। बोलते क्यों नहीं, अब जवाब दो। कुछ तो बोलिए देवर जी, कुछ तो बोलिए, बोलिए, बताइए। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, जवाब दो। अरे हाँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, हाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मेरा इन्वॉल्वमेंट। सुनो ये सबके सब, मैं हूँ इसमें इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्वमेंट है आपकी सम्राट जी? वो लड़का, उसे मैंने आपके पीछे लगाया था, मनीष को। आपके साथ प्यार करने का नाटक करने के लिए मैंने बोला था उसे, बस और कुछ। बेटा कहाँ कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। वो मेरा आदमी था। वरना पूरे झांसी में किसी लौंडे के औकात है कि सम्राट सिंह राठौड़ के घर पे आके ऐसा बोल जाए। छी सम्राट, छी, इतना जलील काम किया तुमने, इतनी बेशर्मी, इतना घटियापन। घटियापन? क्या घटियापन बोले जा रहे हैं? क्या घटियापन किया है मैंने? और मैंने किया तो घटियापन, इन्होंने किया तो कुछ नहीं। बात ये सही है हुँ? अरे इन्होंने मुझे बिना बताया, मुझसे बिना पूछे डांस क्लास ज्वाइन की, उसका क्या? आपको कुछ नहीं बोलेगा? हाँ, ये भी सही कह रहे हो तुम बेटा, एकदम सही। अरे जरा सोचिए कैसी बीवी है ये, मुझे बिना बताए इन्होंने डांस क्लास ज्वाइन की। अभी तो एक चीज सामने आई, पता नहीं कितनी कितनी चीजें होंगी जो मुझे बताई नहीं इन्होंने, आपको भी नहीं बताई होंगी। जरा पूछिए, लाखों चीजें होंगी, पूछिए इनसे। इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, इसी बात की सजा मिल रही थी, और कुछ नहीं। सम्राट, बहू डांस क्लास जा रही थी तो कुछ गलत नहीं कर रही थी, लेकिन तुमने जो किया ना, कोई नहीं करता ऐसे। अरे उससे बदला लेने और सजा देने के लिए एक पराये आदमी को अपनी बीवी के पीछे लगा दिया। छी छी देवर जी, छी, डूब मरने वाली बात हो गई ये तो। हमें नीचा दिखाने के लिए, हमसे बदला लेने के लिए इतना गिरा हुआ काम किया आपने। एक आदमी को पैसे देकर हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ किया आपने। आपने हमारी चरित्र को कलंकित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ तो आपने भी तो गलत किया ना, उसी गलती की सजा है मैडम जी। मुझसे बिना पूछे डांस क्लास कैसे गई आप? किसी गलत नियत से नहीं गए थे हम सम्राट जी। हर वक्त, हर पल आपके मान सम्मान, आपके घर की इज्जत का मान रखा हमने, ध्यान रखा हमने। और डांस क्लास बकायदा माँ जी के परमिशन लेकर गए थे, पूछिए आप माँ जी से। अगर आपको हमारा डांस क्लास जाना इतना ही गलत लगता था सम्राट जी, तो आपने हमसे आके कहा होता, हमें सजा दी होती, हमने खुशी खुशी आपकी बात मान ली होती। लेकिन आपने इतना घटिया खेल खेला हमारे साथ। धिक्कार है हमें आप पर सम्राट जी, धिक्कार है। आप एक पति हैं जिसको अपने पत्नी के मान सम्मान, उसके सारी इज्जत का भार उठाना चाहिए, और आपने उसी पत्नी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे एक पल में बेआबरू करने की इतनी गंदी कोशिश की जिसका कोई मिसाल नहीं है सम्राट जी। हैरान है हम ये बात जानकर। आपने इतना घटिया खेल इतना लंबा खींचा, बकायदा आपने सारे घर के सामने हमारी बेइज्जती की। क्यों किया आपने? मामा को याद है ना उस दिन जब वो लड़का इस घर में आया था? हमने, दीदी आपको याद है भाभी, हमने कहा था कि हम खिलाड़ी नहीं है। हमने आप सब से हाथ जोड़कर भीख मांगी थी कि हमारी कोई गलती नहीं है। आप में से किसी ने हम पर विश्वास नहीं किया था, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे सम्राट जी। उस लड़के के साथ मिलकर नाटक किया आपने हमारे साथ, सिर्फ हमारी इज्जत उछालने के लिए। क्योंकि अब पति द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में दुशासन ने किया था। उसके पति बेबस लाचार थे, खून के घूंट पीते रहे, लेकिन हमारा चीरहरण किसने किया है? खुद हमारे पति ने। जिसको हम अपना परमात्मा मानते थे, क्योंकि आपने हमारे साथ ऐसा। हम तो द्रौपदी की तरह दुशासन से बदला लेने की बात अपने पति से कर ही नहीं सकते, न्याय की भीख नहीं मांग सकते किसी से, क्योंकि किससे मांगे? दुशासन तो खुद हमारा पति है, चीरहरण तो खुद हमारे पति ने किया है। सजा मिलेगी भी तो किसे? हमारे पति को। हमारे पति को। क्या करें हम आपका सम्राट जी, क्या करें? अपनी न्याय के लिए, अपने लिए भीख किससे मांगे? हम किससे मांगे? एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए सम्राट जी, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी नजरों में आपके लिए सम्मान अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पति तो आप हमारे हमेशा ही रहेंगे, लेकिन पति को एक पत्नी से जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान आपको हमारी तरफ से अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपका और हमारा रिश्ता सिर्फ कागज का होगा सम्राट जी, प्यार का नहीं। और अब आप हमारे लिए सिर्फ पति का पुतला है, पति का पुतला है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी आज तुम्हारी पत्नी ने कितनी बड़ी बात कह दी। शर्म मुझे भी आ रही है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। काश इसे मैं झुठला सकता। आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है भैया। चुप करो अदिति, बड़े भाई से बात करने का ये कौन सा तरीका है? चुप। तो क्या करूं माँ, इन्होंने बड़ा होके कितना छोटा काम किया है। चलिए। चलो कंचन, इसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, हद से ज्यादा गिर गया ये आदमी। छी देवर जी, छी। यहीं खड़ी रहोगे। चलो यहां से। सम्राट, क्या सोचा था तुमने? अब देखो क्या से क्या हो गया। बताओ, उर्मी की इज्जत उछालना चाहते थे तुम, साहब के सामने तुम्हारी इज्जत उछल गई। बुरा हो गया यार, बहुत बुरा हुआ। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पे दोहरी नकाब में रखते हैं। कलयुग है भाई, कलयुग। कलयुग है। आ गए तुम लोग? हाँ माँ। जी अम्मा, आपकी हाजमे वाली दवा भी लाए। आज भी आते हैं पानी लेकर। जी, बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है गौरव के कमरे का टीवी चल रहा है, शायद वहीं से आ रही होगी आवाज, टीवी से। आशा से पूछते हैं कि टीवी चल रहा कि कहीं वो ही ना रो रही हो। आशा, ओ बहू आशा। जी दादी, आ गए आप सब लोग। बहू, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पहले आप लोग ना अपनी आंखें बंद कीजिए। नहीं, हम नहीं बंद करेंगे, उतनी देर में तो जे कर जाएगी कोई कारस्तानी। भरोसा नहीं है यहाँ पे। कर लीजिए ना दादी, बस थोड़ी सी देर के लिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मम्मी जी, पापा जी, आप भी कीजिए ना अपनी आंखें बंद। माँ, मान लो ना थोड़ी देर के लिए, नीता इसे बोलती रहेगी फिर। कर लो बंद। मम्मी जी क्या करने वाली, हम भी कर लेते। खोल ले। अब खोल लीजिए आप सब लोग आके। बच्चा किसका है? माँ जी, हमारा बच्चा है जी। क्या बकवास कर रही है? सही सही बता, ये बच्चा किसका है और कौन लाया यहाँ पर? हम लाए, आपका परपोता पुण्यप्रताप या छोटा प्रसाद। मंदिर से लाए आप सभी के लिए। अरे जी, क्या कह रही हो बहू? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पापा जी, आप ऐसे काहे कह रहे? हमने कहा ना कि हम माता के मंदिर से लाए, भगवान के घर से, वही तो मिलते हैं बच्चे। अरे जे बच्चा चुरा के लाई है किसी का, बस यही बचा था अरे बेअकल गंवारन बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तेरी। अरे हम अंधे काहे नहीं हो गए थे, तुम्हें पसंद किया था। कोई जैसे कोई कोई ठीक है, बस कीजिए अम्मा। लाओ इधर। हमें काहे मारेंगे दादी, आपने ही तो कहा था कि परपोता चाहिए, तो ले आए हम परपोता। अब बाहर से यहाँ लाने में इतना टाइम तो लगेगा ही ना। हे भगवान, ये सब देखने से पहले हमें उठा काहे नहीं लिया। पर दादी भगवान आपको कैसे उठाएंगे, आपका वजन तो इतना ज्यादा है ना। भगवान तो छोटू छोटू बच्चों को उठाते हैं। हे भगवान उठा ले हमें। क्या हुआ दादी, आपका सर दर्द हो रहा है, दबा दे। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने भी आपको गलत समझ लिया था। हाँ उर्मी, हमें भी माफ कर दो, तुम्हें समझने में हमसे भी गलती हो गई थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। पर क्या करते थे हम अदिति, कौन जानता था कि देवर जी ऐसा गंदा खेल खेलेंगे, वो भी अपनी ही बीवी के साथ। अरे पहले तो कभी हमने सुना भी नहीं था जो उन्होंने किया। आपकी मन की हालत समझ सकती हूँ भाभी। फिर से महारानी बन गई, सब जपने लगे इसकी माला। ये औरत का क्या करें हम, कैसे इसका नशा उतारे प्रभु। आए आज खाना वाना बनेगा या यूं ही बैठी दुख मनाती रहोगी हैं? चलो जो हो गया सो हो गया, खत्म करो आप। हाँ देखा, माँ जी के पेट में तुरंत तूफान उठता है जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कब कुछ कह रही हो तुम? हाँ हाँ कुछ नहीं माँ जी। बड़े मम्मी जाओ ना। हाँ नहीं तो दादी बुला के मेरा कान खराब कर देगी। है देखो, जब बित्ता भर का लड़का कैसे चबर चबर बोलता है, कोई लाग लगाम नहीं है इसकी जबान पे। वो ये खींच के। ए शशि, अरे तबीयत वबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ दवाई ववाई लेके आवे। बड़ा दिल में दर्द हो रहा है तुम्हारे, हैं? क्या? कुछ नहीं, हम आते हैं। हाँ जल्दी आना। ताऊ जी मरवाएंगे का आप हमें? हम जाके खाने का देखते हैं। बगैर ठोके काम नहीं बनता। लो बन गया, जाओ खेलो। ए उर्मी बहू, ए उर्मी बहू, अरे कहाँ खोई हुई हो भाई तुम? हा? अरे बेटा देखो, आखिर तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिल गया ना बेटा। हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें उस लांछन से मुक्ति मिल गई। यस आई एम हैप्पी। जी ताऊ जी, मुक्त तो हम हो गए, हालांकि हमें बुरा भी बहुत लग रहा है। सम्राट जी की आज पूरे परिवार के सामने इतनी बेइज्जती हो गई। ए बेटा चलते हैं कहीं खंजर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वारे भारतीय नारी, पति कुछ भी करता है तुम्हारे साथ तो ठीक है, और तुम्हारी वजह से पति को जरा सा कुछ हो जाए तो तुम बेचैन होने लगते। वारे विधाता, अरे कौन से मटेरियल से इनको रचा है तुमने? हाँ? अभी भी परेशान है, सम्राट सम्राट सम्राट। होशियार बन रही हो ना तुम उर्मी। चींटी अब हाथी से कह रही है कि जाओ हम आपको नहीं काटेंगे। पति हूं मैं, नाम का पति। पति को एक पत्नी से जो सम्मान मिलता है वो सम्मान आपको हमारी तरफ से अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सम्मान नहीं रहेगा। और अब आप हमारे लिए सिर्फ पति का पुतला, पति का पुतला। रहम करेगी चुया पहाड़ पर। अपने पति को आईना दिखा रही है राठौड़। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पति क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि पति अगर टेढ़ा हो जाए तो पत्नी की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। अब पता चलेगा तुम्हें, अब पता चलेगा तुम्हें, पता चलेगा। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ उर्मी, तैयार हो जाओ उर्मी। तुम्हारा नरक शुरू होता है।